आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हर हैरियत से होंगे और अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस खूबसूरत पौधे के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक ज़बरदस्त समर प्लांट है और ये सिर्फ इसकी लीव्स की खूबसूरती है और इस पौधे की खूबसूरती है और इसकी ये ग्रीनरी है। इसकी ये बारीक सी पत्तियाँ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और ये एक पौधा इसका हजम इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये बिल्कुल राउंड शेप में भी आ जाता है, इस तरह की शेप आप इसको देना चाहें। तो फ्रेंड, इस खूबसूरत नाम का पौधे का नाम कुचिया है, कुचिया प्लांट कहते हैं इसको और ये सारी गर्मियाँ हमारे पास इसी तरह से रहता है और इस पौधे को यूँ देख कर एक ठंडक का सा एहसास होता है। अभी अभी इस पौधे पर बारिश हुई है तो ये देखिए इसके ऊपर पानी के कतरे ऐसे गिर रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इस पौधे को मुख्तलिफ तरीकों से लगाया जाता है, इसको अगर ज़मीन में लगाएं तो इसका साइज़ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसका वजन भी उसके हिसाब से बढ़ जाता है और अगर इसको छोटे गमले में लगाएंगे तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा, जितना बड़ा इसको उसको पॉट मिलेगा उतना ही बड़ा इसका साइज़ होता जाएगा। अब ये एक लोकेशन से आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे इसको मैंने ज़मीन में लगाया था तो ये इतना बड़ा पौधा हो चुका है और जहाँ पे पॉट्स में लगाया है तो वो इसके मुकाबले में थोड़ा छोटा है। यहाँ पे मैंने इस पौधे को एक टाइप के अंदर यूँ लगा रखा है और इसके साथ ही मुझे पार्चुला का भी लगाया हुआ है डिफरेंट कलर में, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, ऊपर से ये बिल्कुल ग्रीन होता है और जब पार्चुला का के ऊपर डारिंग होती है तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। सो इस पौधे के लिए अभी इसके साथ ही ये नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे इस पर बीज उगना शुरू हो जाएंगे इसके साथ ही और यहाँ से ही हम इसके बीज महफूज करेंगे। ये एक पौधा लाई थी नर्सरी से पिछले साल और फिर मैंने इनके सीड्स निकाले और खुद ही इनको लगा, इसकी सीडिंग लगाई और फिर इनको मैंने शिफ्ट किया डिफरेंट प्लांटर्स के अंदर, तो अब ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस पौधे की एक और खूबसूरत बात यह है कि इसको एक मौसम में लगाएंगे अपने पास तो इसके इतने ज़्यादा सीड गिर जाते हैं कि अगर आप कलेक्ट नहीं भी कर पाते तो नेक्स्ट सीजन ये बहुत निकल आता है। इस पौधे को कोई भी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं होती है, इसको ज़्यादा पानी भी दरकार नहीं होता, अगर गमले के अंदर लगाया है तो फिर इसको फुल सन में रखें और दिन दो दिन में एक दफ़ा इसको वाटरिंग करें, लेकिन अगर ज़मीन में लगा रखा है तो आप ज़्यादा देर के बाद भी वाटरिंग कर सकते हैं, यानी 3 to 4 days के बाद आप इसको पानी दे सकते हैं। ना तो मेरे ख्याल से इसको ओवर वाटरिंग नुकसान देती है और ना ही अंडर वाटरिंग से थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ओवर वाटरिंग इसको इतना नुकसान नहीं देती जैसे दूसरे पौधों को देती है। सो अगर आप अपने गार्डन में इस तरह से ग्रीनरी चाहते हैं तो हर समर इन प्लांट्स को ज़रूर लगाइए, इनकी केयर भी बहुत ही आसान है और इनके बहुत आसानी से इनकी सीडलिंग्स लगाई जा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा है तो उम्मीद है आप इसको अपने गार्डन में नेक्स्ट समर में ज़रूर जगह देंगे। सो कल मिलते हैं किसी एक नए पौधे के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।